अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। आज हम आपको लेके आए हैं अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के नए आउटलेट। आज हम आपको उससे बड़ी वॉशिंग मशीन के बारे में डिटेल देते हैं जिससे हम मुलाकात करते हैं। तो कीर साहब हैं हमारे सेल एग्जीक्यूटिव हैं, कैसे तो भी सब ठीक हैं? से ठीक है, खैरियत है। तो कीर साहब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करें प्लीज़, वॉशिंग मशीन के हवाले से, इसकी वारंटी, इसकी इंस्टॉलमेंट प्राइस, इसकी कैश प्राइस, इसका मॉडल नंबर, तमाम फीचर्स से गाइड करें। जी सर, ये हायर की वॉशिंग मशीन है, ऑटो में आती है ये। इसका मॉडल है 150 16 78। अच्छा, ये इसका मॉडल है 150 16 78, 15 kg में आती है। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक में आती है। इसमें ये होता है कि इसकी 10 साल मोटर की वारंटी होती है और 3 साल पार्ट्स की होती है। इस पैनल की वारंटी होती है 3 साल की। ठीक है, ये जो पैनल है इसकी जी जी बता रहे हैं 3 साल है। जी 16 78 जो मॉडल आते हैं ना, 16 78 उसका जो पैनल होता है वो फ्रंट पे होता है, बाकी जितने भी इसमें ऑटोमेटिक आती हैं उनकी यहाँ पे होती है। ठीक हो, उनकी पे जी जी पैनल उनका यहाँ पे आता है, इसका यहाँ पे आता है। ये 16 78 मॉडल आता है वन टच के साथ, लो ड्रम में आता है। उसके बाद इसका जो टॉप है ये हाइड्रॉलिक होता है, ये मतलब आप किसी जोर से नीचे आने देंगे तो ये आएगी नहीं, ये रुक जाएगी। उसके बाद ये 16 78 में सिर्फ लॉक आता है इसका, और जी जी हायर के किसी मॉडल में लॉक नहीं आता, सिर्फ जो 16 78 का मॉडल है उसमें लॉक आता है। जो मतलब जब आप मशीन को स्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इसको लॉक कर देता है। बेसिकली आप इसको चाइल्ड लॉक कह दें, उसमें ये होता है कि मशीन अगर चल रही है तो ये डोर इसका नहीं खुलेगा। उसके बाद ये इसके चाइल्ड लॉक का भी आता है, आप 3 सेकंड तक इसको प्रेस करेंगे। ये 2 बटन होते हैं, इनको 3 सेकंड तक अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इसका पैनल काम नहीं करेगा, फ्रीज़ हो जाएगा। मतलब बच्चों वगैरह के लिए होता है, बच्चे सेफ्टी इसमें रहती है, बच्चे वगैरह बटन ना दबा दें। अगेन आप इसको 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। उसमें ये होता है कि फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी जिसमें पैनल मतलब स्पिन रिंग्स वगैरह, वो उसमें सर ये होता है डेलिकेट होता है, इसमें वूल होता है, हैवी होता है। जिस मतलब जिस तरह के आपके कपड़े हैं, अगर आपने हैवी चलाने हैं जैसे कार्टन हो गया, जीन्स की पैंटें वगैरह, कंबल वगैरह, तो आपको ये होगा कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो हैवी पे सेट करनी पड़ेगी। अगर आपके कपड़े वूल के हैं तो आपको सेट करना पड़ेगा। डेलिकेट हैं जैसे कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, उसमें ये बेसिकली ये होता है कि कपड़े ख़राब नहीं, जी जी मशीन को बताना होता है कि इसमें कढ़ाई वाले कपड़े हैं या हैवी है या कंबल वगैरह, मशीन हाँ मशीन को बताना। उसके बाद आपने इसकी टाइमिंग सेट करनी है, कितनी देर आपने वॉश टाइम चलाना है और कितनी देर आपने ड्राई। जब आप वॉश करते हैं तो ये चीज़ चलती है, इसका ये चक्का होता है, ये मशीन ये राइट लेफ्ट चलता है। जब ये ड्राई करता है तब ये ड्रम चलता है इसका पूरा, इसकी स्पीड जो होती है होते हैं इसके 1400 RPM होते हैं तकरीबन, ए राउंड पर मिनट इसको कहते हैं हम, एक मिनट में 1400 ये राउंड लगाती है, चक्कर लगाती है। ये इतनी मतलब इतना ड्राई कर देती है कि आप कपड़े निकाल के जस्ट प्रेस करें। जो आती है सेमी ऑटोमेटिक में, उसमें होता है कि स्पिनर होता है, उसमें अगर आपने नहीं नहीं इसमें जंग का इशू नहीं होता, इसमें जो इसमें जंग वगैरह का इशू नहीं होता। ये उसमें आता है सन प्रूफ में आता है, सूरज की रोशनी से भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये होता है कि अगर आपने ये मशीन ली है तो इसको मैं तो कहता हूँ कंपनी के नुमाइंदे से इंस्टॉल करवाएं, हाँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो आपको गाइड भी कर देगा कि इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। और इसकी जो होती है लेवल इसका होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो क्या इस चीज़ से जाते हैं कि यार ऑटोमेटिक मशीन नहीं लेते, ऑटोमेटिक मशीन हम लोग तंग आ जाते हैं, मैनुअल ठीक है, उन लोगों को क्या आप रेकमेंड करेंगे? नहीं नहीं, मैं तो ये कहूँगा सर जी कि इसमें ये जो अब वॉशिंग मशीन है ये तकरीबन 460 वाट की होती है, 460 वोल्टेज देती है। जो डबल होती है उसमें जो स्पिनर होता है उसके वोल्टेज होते हैं 320, और जो वॉशिंग मशीन होती है उसके होते हैं 480 या 460, इस तरह वो ज़्यादा वोल्टेज लेती है। उसमें ये उसकी नस्बत ये कम लेती है, एनर्जी सेवर भी है ये। जी एनर्जी सेवर है, ये आपकी लो वोल्टेज में भी चल जाती है, अराउंड 150 वोल्टेज आ रहे हैं तो ये उस पर भी चलेगी। उसके बाद ये आपका वाटर सेव करती है, पानी की भी सेविज है इसमें। मतलब ये होता है कि ये इसका पाइप है, अगर आप इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएंगे तो ये पाइप, हाँ जी, आपने मतलब जहाँ पे आपने यूज़ करनी है वहाँ पे वो इंस्टॉल करेगा, फिर आप इसको वहाँ से हिला नहीं सकते, क्योंकि इसका जो वाटर इसमें जो इसका लेवल है मशीन का वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो ड्रायर है उसकी इतनी स्पीड होती है कि अगर लेवल ना हो तो मशीन जो है वाइब्रेट करती है। ये इसका पाइप होता है, कंपनी की तरफ से आता है, इसको लगाना होता है। उसमें ये होता है कि आप पानी का नल बेशक खुला छोड़ दें, इसको आप पानी जो लेवल सेट करेंगे ये उतना ही लेगा, उससे ज़्यादा ये नहीं लेगा। उसके बाद ये इसका बॉक्स है, डिटर्जेंट बॉक्स जिसको हम सॉफ्टनर भी कहते हैं। अगर आपने इसमें डिटर्जेंट डालना है, सॉफ्टनर डालना है तो ठीक है। उसके बाद ये इसका प्लो ड्रम है, किसका वारंटी के हवाले से? वारंटी सर इसकी 10 साल मोटर की वारंटी है और 3 साल इसके पैनल की वारंटी है। 3 साल पैनल की जी, पैनल और पार्ट्स की वारंटी। मोटर इसकी कॉपर की होती है। पैनल आएगा जी सर, इसका ये पैनल आएगा, ये बटन आएगा इसका, और इसका पैनल में कुछ भी नहीं आता पार्ट्स में।
और मोटर की 10 साल वारंटी है बस इसकी। और ये लगे हुए हैं इसके साथ सर, ये प्लोर कैमरा पास आइएगा, प्लोर ड्रम है सर इसका। इसमें ये होता है कि कपड़ों की सफाई अच्छे से होती है, कपड़ों को नुकसान नहीं होता। अक्सर कस्टमर जो कपड़े हैं वो फट जाते हैं। नहीं नहीं, इसमें ये नहीं होता। ये आप जी जी, ये प्लोर ड्रम आया, नया नई टेक्नोलॉजी है इसमें। इसमें ये होता है कि कपड़े आपके वॉश कर सकते हैं जी जी, वो आप सब कुछ मिले। इसमें जो मैंने आपको बताया ना, आपने जिस तरह के कपड़े डालने हैं उसको मशीन को बताना पड़ेगा, इसकी प्रोग्रामिंग है, आपने सेट करनी है जी जी, वो ज़रूर करनी है। अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने कढ़ाई वाले कपड़े डाल के अगर हैवी पे सेट कर दिया तो वो आपके जो कपड़े होंगे वो ख़राब कर देगा। अगर आपने हैवी डाला तो डेलिकेट पे सेट करना है, वैसे टॉवल वगैरह हो गए या वूल हो गया वो आपने लाजमी सेट करना है। उसके बाद ये वन टच आता है, उसमें ये होता है कि अगर आपने मशीन मतलब कि चलानी है और चला के आधा घंटा चलाई है, ठीक है, उसमें ये होता है 15 मिनट के अंदर अंदर लाइट चली जाती है, ठीक है। और जब लाइट दोबारा आती है तो जस्ट आपने एक बटन प्रेस करना है, जो हाँ जो रिमेनिंग 15 मिनट है ये वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। उसमें ये वन टच आता है। उसके बाद ये टाइमिंग है इसकी, मशीन टाइम 10, 20, 30 और 40। उसके बाद स्पिन टाइम जो इसका है वो आपने जस्ट 10 मिनट के लिए वॉश करना है और उसके बाद 5 मिनट के लिए ड्राई करना है। 10 मिनट बाद जब मोटर चलेगी कपड़े वगैरह साफ हो जाएंगे, उसके बाद ये आपका ड्राई शुरू कर देगा ऑटो पे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।